अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं। सो मैं आज लेके आई हूँ, आप देख सकते हो, फिश ग्रेवी रेसिपी। एंड माइक्रोवेव में इसको मैं रोस्ट करूँगी बिना ऑयल के। सो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाती हूँ आपको। ये रही 3 kg फिश जो कि मार्केट में बहुत फ्रेश आई हुई थी, और नजूर में हम दोनों ही गए थे। ये बड़े साइज़ की है, बड़े साइज़ की हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें कांटे कम होते हैं, बच्चे वगैरह खाते हैं। छोटी लो तो फिर बहुत कांटे रहते हैं, उनको निकाल के दो तो मज़ा नहीं आता। और ये मैं कर रही हूँ पैन को, जो माइक्रोवेव का, उसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें सिंपली हल्दी, नमक और नींबू डाल के, और मैंने विनेगर थोड़ा सा, अजीनोमोटो थोड़ा सा डाल के इसको मैंने मैरिनेशन करने फिश को रख दिया था। और ये मैं 2 घंटे जैसे पहले रख दिया था, और अब मैं इसको माइक्रोवेव में रोस्ट करूँगी और बिना ऑयल के। आप देख सकते हैं नीचे जो ऑयल लगाएं सिर्फ उतना ही है, इसमें कोई ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि अपन कितना सारे ऑयल से इसको फ्राई करते हैं और फिर वही ऑयल अपनी बॉडी में जाके और फिर कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है। बट माइक्रोवेव में इस तरीके से ईजिली बिना ऑयल के बन जाता है, तो अपन ज़्यादा खा भी लें तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये 3 kg इसलिए फिश थी क्योंकि भाईजान आ रहे थे, तो सोचा कि अच्छे से सभी लोग खा लें, भाईजान के लिए से भी मैं अच्छे से सालन वगैरह बना लूं, तो ये 3 kg ले आए थे। अच्छी थी तो ले आए थे, और हम असल हमेशा ही इसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ये सब लाते हैं कि अच्छे से खाएँ, कम ना पड़े। और ये देखिए, ये अब मैं हल्का सा ऊपर से भी ऑयल कर दी थी, अब माइक्रोवेव ऑन कर रही हूँ। ये मैं चारकोल में 135 मिनट्स रहता है इसमें रोस्ट करने का, बट मैं पहले ही निकाल हो जाएगी, ये पहले ही निकाल लूँगी। तो इसको बारी बारी, क्योंकि मैंने इसमें अभी एक हिस्सा छोटा सा डाली हूँ, फिर मेरे को 2-3 बार करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी है फिश, तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो पूरी हो जाएगी, मैं फिर आपको दिखाऊँगी। देख रहे हैं आप, इतनी सारी है तो मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, ये हो चुकी है, पहले बार जो डाली हूँ वो देखिए ये रेडी हो चुकी है बिल्कुल। कितना कम मैंने ऑयल डाला है, और ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है। और ये बिल्कुल कड़क रोस्ट होती है, यानी अभी मैंने जस्ट निकाला है, गर्म है, इसको 2 मिनट बाहर रखेंगे तो एकदम कड़क हो जाएगी और इतनी टेस्टी लगती है। ऐसा नहीं कि ऑयल और ऑयल में फ्राई करने में, तो हल्का सा ऑयल का जो टेस्ट है वो तो मसाला बहुत टेस्टी होता है, और इसका थोड़ा सा कम होता है। बट आप हमेशा ऐसे खाओगे तो वो फिर टेस्ट भूल जाओगे, आपको ऐसे ही अच्छी लगने लगेगी। तो ये हम लोग हमेशा ऐसे ही खाते हैं, शुरू शुरू में हमको लगता था, बट अब आदत बन चुकी है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं पलट रही थी इनको, क्योंकि मुझे हल्का सा लग रहा था कम है, हल्का सा और होना था, तो मैंने सोचा एक बार पलट के थोड़ा सा और कुक कर लिया जाए। मोस्टली हो चुकी थी पूरी, लेकिन लगा कि कुछ जो बड़े पीस है मोटे वो नहीं हुए हैं। और हम लोग अपने हिसाब से कटवाते हैं फिश को, कि माइक्रोवेव में ज़्यादा बड़ा साइज़ करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम छोटे साइज़ में और पतले पीसेस कटवा के लाते हैं हम, कि वो कम वक्त में जल्दी बन सके और अच्छी भी लगे। ऑयल में तो ऐसा होता है, आप कैसे भी डालिए, वो फ्राई होना है तो वो अच्छे से हो जाती है। तो ये मैं फिर से इसको रख दूंगी माइक्रोवेव में पलट के थोड़ी देर के लिए, बाकी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरे अच्छे से रोस्ट होके। चलिए जी, ये देखिए, ये हो चुकी है फाइनली पूरी रोस्ट, जो कि मैंने पलटा हुआ था, मुझे नीचे से लगा था थोड़ा है बाकी। और ये देखिए एक मसाला कितनी खूबसूरत दिख भी रही है, और बिल्कुल क्रिस्पी कड़क है, देख रहे हैं आप बिल्कुल माइक्रोवेव में कितने अच्छे से हो गई। और ऑलरेडी ये ऑयल जो दिख रहा है मछली से निकला, अगर मैं नहीं भी डालती हूँ ऑयल इसमें तो ये इस तरीके से फिश से भी निकल के और वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, फिश से ऑलरेडी निकलता है इसमें जब बनाओ। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी कड़क और बहुत टेस्टी थी ये फिश, एकदम फ्रेश थी और बहुत। और ये रोहू मछली है, हम लोग अक्सर सिर्फ रोहू मछली ही खाते हैं, इसके अलावा कतला खाते हैं, रोहू और कतला, इसके अलावा कोई और फिश बिल्कुल नहीं खाते हैं, इनको सिर्फ रोहू कतला ही पसंद है। हमारे घर में ये दोनों के अलावा कोई और फिश कभी नहीं आती, हम लोग कभी नहीं खाएं। बचपन में अब्बू हम लोग को खिलाए हैं जो भी फिश, तो हम लोग ने काफ़ी कुछ टाइप से खाए हैं, बट शादी के बाद मैंने कतला और रोहू के अलावा और कुछ नहीं खाया है।
दोनों मसाला बहुत टेस्टी होती हैं। आप लोग के घर में भी अक्सर रोहू तो मोस्टली सभी के घर में बनती है, सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और कतला भी उसी तरीके से उसमें टेस्ट होता है, वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये मैं सेकेंड बार यानी फर्स्ट रेडी हो चुका है, ये सेकेंड रख रही हूँ मैं फिर से। ये इस तरीके से मैं पूरे रख दूंगी और फिर मैं ये भी फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद सालन बनाना है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी ग्रेवी किस तरीके से बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कभी भी ग्रेवी वाला सालन नहीं बनाते हैं फिश का। हम सिर्फ ये देखिए, ये इतना और बाकी है थर्ड ट्रिप के लिए, तो मैं उसको भी दिखाऊंगी। तो ये वाला हो चुका है, तो हम लोग कभी सालन नहीं बनाते हैं, हम लोग ओनली फ्राई फिश खाते हैं। सो अभी अभी मैं चालू की हूँ बनाना, बट इससे पहले हम लोग कभी भी नहीं, जैसे कोई भी आए तो हम लोग फिश नहीं लाते थे, बनाते नहीं थे, क्योंकि मुझे सालन बनाना भी नहीं आता था और इनको भी नहीं पसंद था। मुझे भी तो हम लोग फ्राई लाके और फ्राई ही हमेशा खाते थे मसाला, वही हमको बहुत टेस्टी लगती थी और वही खा पी के फिनिश कर देते, सालन की ज़रूरत नहीं रहती थी। अभी अभी बच्चे बड़े हो गए तो फिर चालू किए हैं। ये है सालन। तो मैंने इसमें मैंने डाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसमें अनियंस नहीं डलता, और इसमें मैंने सरसों की पीली राई को मसाला में पीस के और इस तरीके से इसमें डाला, धनिया मिर्ची पाउडर डाला। किसी और दिन मैं आपको पूरा क्लिप दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये मसाला बनाती हूँ। अभी मैं जल्दी थी, भाईजान आ चुके थे और मुझे रेडी करके देना था। और ये है इसका सिर फिश का, तो इसको मैंने रोस्ट नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता, तो इसको मैंने ऑयल में करके उसमें डाल दिया था। ये देखिए पूरी फिश रेडी हो चुकी है, देख रहे हैं आप कितने अच्छे से पूरी फिश रेडी हो चुकी है। और अब मैं सारी फिश को सालन में डाल दूंगी और हल्का सा भूनूंगी, और ये गाढ़ा ही बनाऊंगी, पतला नहीं बनाऊंगी। और सरसों की जो पीली वाली राई होती है उससे जो मसाला बनता है उससे बहुत टेस्टी होता है। किसी दिन आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी, इस बार मैं नहीं बता पाई हूँ। और ये देखिए मैंने पूरी फिश डाल दी हूँ, कम तेल में बनाई थी बट तेल देखिए अलग छोड़ दिया। ये फिश भी देखिए कितने अच्छे से अलग अलग पीसों में है, बहुत मज़े का टेस्टी लगा था सालन। मैं आपको और कभी किसी दिन इसकी ग्रेवी अच्छे से पूरी प्रोसेस में बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत अच्छे से बनती है और अब मैं बनाना सीख गई हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है सालन, और इसको मैं अब बाउल में कन्वर्ट कर दी हूँ। सो ऊपर से कोरिएंडर पाउडर धनिया डाल दी थी और ये रेडी हो चुका है सालन। और खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा। ये ऊपर से कोरिएंडर पाउडर डाल दी हूँ और ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लिप में आपको फिर कुछ और वीडियो लेके आऊँगी, कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊँगी। और ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, और इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको आगे किसी और दिन में पूरा बताऊँगी। और मैं इसमें इसलिए रखती हूँ कि इसको फिर माइक्रोवेव में गरम कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।